बढ़ते हैं आगे। हाथा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसमें रने गांव में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल सका और मजबूरन पति को हाथ ठेले पर महिला को रखकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। बदहाली का आलम यह रहा है कि जैसे तैसे महिला को अस्पताल पहुंचाने के बाद इलाज के घंटों इंतजार करना पड़ा क्योंकि अस्पताल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। दूसरी तस्वीर गैसाबाद के उप स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के बाद पानी भर गया था। स्थिति ये थी कि मरीजों के वार्ड में भी पानी भर गया था जिससे वहाँ मौजूद स्टाफ और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पहली तस्वीर जो हटा की है जहां पर एक युवक को अपनी पत्नी को हाथ ठेले में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जहां पर स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी तस्वीर ये कल की हम आपको बता रहे हैं जहां पर भारी बारिश के चलते अस्पताल में पानी भर गया, दो दो फीट तक पानी भर गया था जिसके कारण ये अस्पताल व्यवस्थाओं की स्थिति और ये तस्वीरें पूरी तरह से आपको झकझोर के रख देने वाली है कि व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। व्यवस्थाओं की इस प्रकार की लड़खड़ाती तस्वीरें जहां पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है तो एक युवक अपनी पत्नी को हाथ ठेले में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराने जाता है और वहां जाता है तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरेश हमारे साथ जुड़ गया। नरेश, ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसी तस्वीरें हमेशा सामने आती रहती, कभी सड़क बदहाल रहती है और अगर सड़क है तो वहाँ पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाती, आखिर ऐसा क्यों? ये हटा ब्लॉक में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की वानगी रोज देखने मिल रही है। ताजा मामला जो है वो हटा सिविल अस्पताल से महज 10 किलोमीटर दूर रने मुख्यालय का है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है कि यहाँ जो महिला मरीज थी उस गर्भवती हालत में थी और उसके पति ने जब 108 सेवा के लिए कॉल किया तो घंटों उसको सेवा का लाभ नहीं मिला। मजबूरन जो लाचार पति था वह सब्जी बेचने वाले हाथ ठेले पर रखकर गर्भवती पत्नी को अपने के बाद उसकी पत्नी को जो 108 सेवा मुहैया कराई जाती है जिसे कि घंटों के बाद सिविल अस्पताल हटा रेफर किया गया था। चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।